तो ये है मेरी वीकली ग्रॉसरी जो अराउंड डेढ़ हफ्ते तक चल जाएगी, और उससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो मैं उसको फ्रोज़न कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ मैं। तो ये है एक पैकेट शुगर का। शुगर मैं चाहूँ तो स्टॉकअप करके रख लूँ, बट इतना मुझे ज़रूरी नहीं लगता क्योंकि हमारे घर में शुगर सिर्फ मनन के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर, 95% मनन के लिए यूज़ होती है, उसके दूध में कभी कभार या फिर कुछ मीठा बनाने के लिए। अदरवाइज़ चीनी ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते किसी चीज़ में। और ये है फ्रूट्स, दो पैकेट में बनाना के लिए ले आई हूँ क्योंकि एवरी डे हम लोग बनाना खाते हैं आजकल, तो इसलिए बनाना। एंड देन ऑरेंजेस का सीजन है तो इसीलिए दो वैरायटीज के ऑरेंज हैं। ये कोई सस्ते ऑरेंज नहीं है, ये बनाना ही आप देख लें यहाँ पे 100 येन का ये बनाना है जिसमें 4 बनाना मिले हैं। एंड ये ऑरेंजेस भी अराउंड 400 येन के ऑरेंज हैं एक पैकेट, तो मैं दो लेके आई हूँ। नेक्स्ट है सैलड। सैलड हमारे घर में डेली में बनता है, कटता है, तो इसलिए दो पैकेट खीरे के हैं ये। एंड देन दिस इज़ चाइनीज़ पालक, बॉक चॉय जिसे कहते हैं वो है। और ये है स्वीट पोटैटो, क्योंकि अभी विंटर्स है, विंटर्स में ये खाना बहुत हेल्दी होता है। एंड देन मैं ये एक टी पैक लेके आई हूँ, उसमें वेराइटी टी पैक से 10 का है ये, तो ट्राई करूँगी इसको। एंड देन हियर वी हैव टोमेटोज। टोमेटोज भी काफ़ी महंगे हैं इस टाइम पे, इट वॉज अराउंड आई थिंक 300 येन समथिंग में था एक पैकेट। और फिर मैं ले आई होरिंसो यानी कि पालक। पालक बहुत सस्ती थी, ऑलरेडी मेरे पास फ्रिज में पालक पड़ी है, तो मैं उसको फ्रोजन कर दूँगी एंड फ्रेश वाली बना लूँगी, तो मैं दो पैकेट ले आई हूँ। एंड देन सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में आया है दूध, यूजली मैं इतना ही दूध लाती हूँ। दिस इज़ अराउंड 8 पैकेट्स, तो एक डब्बा 1 लीटर का है, तो ये एक इसमें से जो डब्बा है उसकी दही बन जाती है, बाकी जो 7 हैं वो हम यूज़ करते हैं। यूज़ इन द सेंस मनन दिन में 2 से 3 बार दूध पीता है तो उसके लिए ही आता है, तो 10 दिन के आसपास ही चल जाता है दूध के डब्बे ना। एंड देन वी हैव एग्स, तो मैं 2 पैकेट ले आई हूँ एग्स के, क्योंकि अभी यहाँ पे न्यू ईयर की छुट्टियाँ हो रखी हैं तो मेरे हस्बैंड भी घर पे ही रहेंगे, तो तीनों टाइम खाना बनेगा, सब कुछ होगा, तो मैं एक्स्ट्रा एग्स ले आई हूँ तो ताकि डेली खा सकें। देन वी हैव कैरेट्स, 2 पैकेट कैरेट्स के लेके आई हूँ मैं। इसमें से कुछ मैं सैलड में यूज़ करूँगी, कुछ मैं चॉप करके फ्रोज़न कर दूँगी। और 1 पैकेट आलू का मैं 1 ही लाई हूँ, क्योंकि अगर इन केस हम नेक्स्ट मंथ कॉस्को गए तो मैं वहीं से और आलू लेके आऊँगी, तो इसलिए मैं यहीं से आलू लेके आई हूँ। देन वी हैव याकुल्ट, क्योंकि डेली मनन एक पीता है तो याकुल्ट है। और ये है एक सलोन रैप जो ख़त्म हो गया था। और ये ऐसे स्नैक्स के लिए मैं चीज़ क्रैकर्स ले आई हूँ। एंड देन वी हैव 2 ब्रेड्स, लाइक यहाँ पे 8 का है ये पैक। तो ये जो टोटल सामान है ये आया है अराउंड 6,500 येन का। और 6,500 येन में ये जो सामान है ये ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता तो चलेगा। दूध हमारा 1.5 हफ्ता चलता है, इसलिए मैं इतना लेके आती हूँ, और इससे ज़्यादा ला नहीं सकती क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फिर एक्सपायर हो जाए, डेट ख़त्म हो जाए, तो फिर फ़ायदा नहीं ना एक्सपायर्ड दूध को यूज़ करने का। तो ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते का सामान हमारा हमेशा इतने का ही आता है, 6,000 से 8,000 येन के बीच में आता है, तो मंथली का हमारा बन जाता है 2-3 मान यानी कि 30,000 येन तक का बन जाता है मंथली ग्रॉसरी। में आप देख सकते हैं नॉन वेजिटेरियन आइटम्स नहीं है, जैसे चिकन फिश वगैरह नहीं है, क्योंकि फ़िश मैंने पहले से वीक जो मंथ स्टार्ट हुआ था दिसंबर का तभी मैं फ़िश खरीद के ले आई थी ज़्यादा क्वांटिटी में, संडे वाले दिन सेल होती है तो उसी दिन मैं लेके आ गई। एंड वो मैंने फ्रोज़न कर रखी है। और रिगार्डिंग नॉन वेजिटेरियन आइटम जैसे कि चिकन वगैरह, चिकन ही खाते हैं हम, तो चिकन हम लोग कॉस्को से ले आते हैं, कॉस्को से लास्ट मंथ हम लेके आ गए थे, इनफैक्ट नवंबर में हम लेके आए थे, तो अराउंड 10-15 केजीज चिकन हम ले आए थे, जिसको मैंने पीसेस करके अलग अलग रैप करके उसको अलग अलग क्वांटिटी में फ्रोज़न कर रखा है, उसका मैं एक वीडियो इंक्लूड कर दूँगी यहाँ पे कि कैसे मैंने रखा हुआ। दैट्स इट। और प्याज भी आपको नहीं दिख रहे यहाँ पे, क्योंकि प्याज भी हम कॉस्को से ला के रखा हुआ था हमने, इट वाज अराउंड 7 केजी और 10 केजी अनियंस थे जो अभी तक चल रहे हैं, तो इसलिए मैं प्याज भी खरीद के नहीं लाई हूँ। तो या दैट्स इट, यही है मेरा वीकली ग्रॉसरी हॉल। तो फैमिली ऑफ 3 जिसमें एक बच्चा भी हो तो अराउंड 6,000 से 7,000 येन लग जाते हैं वीकली, लाइक 12 डेज, वीकली से ज़्यादा बोलूँगी मैं, 1.5 हफ्ते की ग्रॉसरी अगर लानी हो तो
इतना मेरा चलता है, दिस इज अब रिगार्डिंग आर फैमिली, हम लोग इस तरह से बजट प्लान कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा आ जाता है सामान, जिसमें फ्रूट्स भी इंक्लूडेड है, ग्रीन्स भी इंक्लूडेड है और दूध भी इंक्लूडेड है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये मेरा ग्रॉसरी हॉल अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट, एंड या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।